मेरे प्यारेओ येसु मसीह दे नाम विच स्वागत करदा हां। ये जगह तुसी वेख रहे हो ना किन्नी सुंदर है। की तुसी जानते हो कि यह केड़ी जगह है? ये केरल दी एक जगह है जिसका नाम मुनार है। ये परमेश्वर दी बहुत ही सुंदर सृष्टि है। तुसी भी इस जगह ते आके वेख सकते हो ते इस सुंदर सृष्टि वास्ते परमेश्वर दा धन्नवाद कर सकते हो। मनुख दे जीवन च खुशी शांति अते आनंद प्रदान करन लई परमेश्वर ने इस तरह दियां सुंदर चीज़ां दी सृष्टि करके सानू दित्ती है। प्रभु दी इस सृष्टि नू वेख के सानू उसदा धन्नवाद अते उस्तत करनी चाहीदी है। परमेश्वर यही चाहुंदा है कि तुहाडे जीवन च हमेशा तुसी आनंदित रहो। सो तुसी ऐसियां जगावां नू वेखो अते इन्हां लई परमेश्वर दी उस्तत करो। सो अज दे दिन परमेश्वर अपने वचन विच्चों सानू की कहना चाहुंदा है? जबूरा दी पोथी 121 अध्याय उसकी 6 आयत इस जगह ते परमेश्वर कहता है, ना दिने सूरज तैनू मारेगा ना राती चंद्रमा। दिन दी धुप रात दी चांदनी। देखो धुप दे कारण बहुत परेशानी हुंदी है, साडे शरीर नू बहुत गर्मी लगती है। ते धुप तो बचन लई लोक सानू तरह तरह दियां सलावां दिंदे हन कि किस तरह दे फल खाने हन, जिथे रहना है वह वातावरण कैसा होना चाहिए है। जेकर धुप तो बच के रहोगे तो तुसी बहुत सारिया बीमारियों तो भी बच सकते हो। इसलिए धुप तो बच के रहन लई लोक कई तरह दियां सलावां देंदे हन। लेकिन की रात दी चांदनी नाल कोई नुकसान हो सकता है? कदे कदे सानू इस करके ठंड लग सकती है जां इस नाल कोहरा पै सकता है, तो इस तरह ठंड के मौसम च बाहर निकलना चंगा नहीं हुंदा। सो दिन दी धुप ते रात दी चांदनी दोहां नाल सानू जो है खतरे हो सकते हैं, शरीर च बीमारियां आ सकदियां हन। लेकिन परमेश्वर कहिंदा है, ना दिन दी धुप ना राती चंद्रमा दी चांदनी तो तुहाडी कोई भी हानि होवेगी। की तुसी विश्वास करदे हो कि मेरा परमेश्वर धुप तो भी बचाउंदा है ते चांदनी तो ते रात दे समय होण वाली हानि तो भी बचाउंदा है? परमेश्वर सानू अपने वादे दे अनुसार बचाउंदा है, क्योंकि दिन नू भी उसे ने सिरजिया है ते रात नू भी उसने ही बनाया है। सूरज नू भी उसे ने सिरजिया है अते चंद्रमा दी भी परमेश्वर ने ही सृष्टि कीती है। इसराइलियां ते गौर करो, 40 सालां तक परमेश्वर ने 30 लाख लोकां दी उस उजाड़ दे राह अगवाई कीती, उन्हां नू संभालिया ते उन्हां नू लैके गया। उन्हां दी कोई भी हानि नहीं होण दित्ती। उन्हां दे काफले विच छोटे छोटे बच्चे भी सन ते नौजवान भी सन ते बजुर्ग लोग भी सन, औरतां सन, गर्भवती औरतां भी सन ते चलण च असमर्थ ते इस तरह दे बहुत सारे लोग सन। पर परमेशर ने अचरज ढंग नाल उन्हां सारिआं नूं संभालिआ, उन्हां नूं चलाया। मैं इसराइल देश च उस सिनाई पहाड़ नूं वेख्या है, उस उजाड़ नूं वेख्या है। उस जगह ते एक भी हरा रुख नहीं है। उत्थे इन्नी तिखी धुप हुंदी है कि खड़े नहीं रहा जा सकता है। लेकिन परमेश्वर ने उन्हां नूं संभालिआ धुप तों ते रात दी ठंड तों भी बचाया। रात नूं उत्थे बहुत ठंड हो जाती है, उत्थे रहा नहीं जा सकता। लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन दे अनुसार उन्हां नूं संभाल के रख्या। जानदे हो किवें? परमेश्वर ने एक बदल दे वांग ते रात नूं अग दा थम बन के उन्हां नूं संभालिआ। 30 लाख लोकां नूं धुप तों बचाउण लई परमेश्वर एक बदल दे समान उन्हां उत्ते छाया रहा ते उन्हां 30 लाख लोकां नूं दिन दे समय धुप तों बचाउंदा रहा, उन्हां नूं संभालिआ, उन्हां दी अगवाई कीती। ते रात नूं जदों बहुत ठंड हो जांदी सी तां ओह 30 लाख लोकां नूं ठंड तों बचाउण लई अग दा थम बन के उन्हां दे विचकार रहिंदा सी ते उन्हां नूं उस ठंड तों बचाउण लई उस जगह दे तापमान नूं घटा के गर्म कर दिता ते इस तरह उन्हां नूं संभालिआ। उही परमेश्वर अज सानू भी कहिंदा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, कोई भी चीज़ नहीं है जो तुहाडी हानि कर सके। ना दिन दी धुप ना रात नूं चंद्रमा दी ठंड तुहाडी हानि करेगी, परमेश्वर तुहानू बचावेगा। तुसी क्यों डरदे हो दिन दी धुप तों जां रात नूं चंद्रमा दी चांदनी तों जां हवा तों जां ठंड तों क्यों डरदे हो? जिथे काम करदे हो उत्थे विरोधी हन, हालात ठीक नहीं हन, हालात बहुत विगड़ चुके हन। इन्हां सारियां गल्लां तों हानि तों डरदे हो तां
परमेश्वर अज तुहानू कह रहा है, मैं तैनू संभालांगा, तू क्यों डरदा है? शायद वो तुहाडे सामने खड़े होणगे, पर परमेश्वर उन्हानू तुहाडी हानि करन दी इजाजत कदे भी नहीं देवेगा। इहो प्रभु दा वादा है। प्रभु दी उस्तत करनी है, प्रभु तू ही मैनू हानि तो बचाउण वाला परमेश्वर है। मैं अपनी 45 सालां दी सेवकाई दे तजर्बे तो कह सकदा हाँ, परमेश्वर ने मैनू सारे खतरियां, निंदा, अपमान, परेशानियां तो, मनुखां तो आउण वाले खतरे तो भी परमेश्वर ने मैनू बचाया। मैं अपनियां अखां नाल वेख्या है, लोग वड्डे वड्डे हथियार लैके मैनू मारन लई, मैनू जानों खत्म करन वास्ते आए, लेकिन परमेश्वर ने वो हानि नहीं होण दित्ती। परमेश्वर ने मैनू संभालिया ते अगवाई कीती ते उसने मेरी राखी कीती। परमेश्वर तुहाडी भी राखी करेगा अते ओ तुहानू सुरक्षित रखेगा, संभालेगा। की विश्वास करदे हो? सो असीं विश्वास दे नाल प्रभु दे अग्गे प्रार्थना करांगे, हे प्रभु तू ही मैनू सारे खतरियां तो बचाउण वाला है। मनुख मेरे विरुद्ध खड़े हो सकते हैं, हालात मेरे विरुद्ध हो सकते हैं, पर सारिया मुसीबतां च तू मेरे नाल रहण वाला, मैनू संभालण वाला, राखी करन वाला परमेश्वर है। तू मेरी राखी करदा है, दिने राती मेरी राखी करन वाले परमेश्वर, मैं तेरी उस्तत करदा हाँ। तू ही मेरी राखी करदा है। यीशु दे नां च तेरे अग्गे प्रार्थना करदा हाँ पिता। आमीन आमीन।